आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। बीए पार्ट वन का छात्र अपनी मां के सर पर हथौड़ा मार मार कर कर दी हत्या, हत्यारा बेटा हुआ गिरफ्तार। दरभंगा जिले के नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार का मामला है। सड़क मरम्मतीकरण सरकारी बस सेवा शुरू करने, दरभंगा के बिरौल प्रखंड मुख्यालय परिसर में दिया धरना। सरकार के आश्वासन के बाद भी मांगों को पूर्ति नहीं होने के विरोध में बिहार राज्य पारा मेडिकल छात्र संघर्ष समिति की डीएमसीएच पारा मेडिकल शाखा के छात्र छात्राओं ने आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। सदर थाना क्षेत्र के मब्बी ओपी पर मुहर्रम को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई। मधुबनी जिले के हरलाखी खिरहर थाना क्षेत्र के भरन टोला गांव में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में फरसा से प्रहार कर एक लोग हुए जख्मी। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकेंगे यूट्यूब पर, शुरू हो गई तैयारी, सुनने को मिलेंगे लोकप्रिय कार्यक्रम। दरभंगा जिले के हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललित लाल के नेतृत्व में किया गया। आज मंगलवार को मुहर्रम की पहली तारीख, बुधवार की दोपहर में मिट्टी लाने की रस्म अदा की जाएगी। जयनगर का सबसे प्रतिष्ठित होटल नारायण होटल, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं नाश्ता के लिए यहाँ एक बार अवश्य पधारें। विभिन्न तरह की मिठाइयों का उत्तम व्यवस्था है। यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर विशेष मिठाई का ऑर्डर लिया जाता है। स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण में जयनगर का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी होटल नारायण। प्रोप्राइटर हरि नारायण यादव, पता अंबे होटल के नीचे मेन रोड जयनगर मधुबनी। मोबाइल नंबर 8340604600। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है, मैं हूं नाजिया। दरभंगा में एक बेटे ने अपने मां को सर पे अनगिनत वार करके कर दी हत्या। हल्ला सुन आसपास के लोगों ने घायल महिला के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका। अस्पताल पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया। इस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटा को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। घटना के पीछे अब तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आरोपी बेटा ड्रग्स का आदी था और पैसे के लिए अक्सर माँ बाप के साथ मारपीट किया करता था। मामला दरभंगा के नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार का है, जहां के आज सुबह राजकुमार भारती अपने घर में किसी बात को लेकर अपने मां कलावती से उलझ गया और उसे एक कमरे में बंद कर लगातार हथौड़े से एक के बाद एक सर पे वार करके, चेहरे पे वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हमला के वक्त घर में और कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। ऊपर से हम छोटू तिवारी को बोले कि देखे था तो 4-5 लाख मारा, गेट नहीं खुला, तो हम बोले कि चलिए चलिए छोड़िए। वो लोग बोला कि जाने दीजिए, दाई है। तो हम कहे चलिए चलिए, तो ये ऐसे करके पलटा ना, तो देखा कि खून का रे, तो बोला कि खंती लाइए खंती। हम खंती नहीं है, हम ईटा दिए दरवाजा तोड़े, तब तक वो हथौड़ी से ऐसे ऐसे करके मार रहा। हमको भी देखा ना, तभी भी हथौड़ी से मार रहा। किसको मार रहा? अपनी माँ को। और फिर उसके बाद हम बोले ना कि जा जा, माँ को उसका बेटा खुद मार रहा। हाँ, खुद मार रहा था, अपने आँख से हम देखे। किस जगह पर मार रहा था? माथा में। माथा में? हाँ, माथा में, माथा का पूरा गुद्दा निकल रहा था। तो हमको नहीं रहा गया था, हम इनको पकड़ के हम कहे देखिए मार दिया, मर गया। बस ये पकड़े उसको, तो हम बोले कि यहाँ नहीं पकड़िए, चलिए बाहर लेके चलिए। इस पर हम लोग उसको मारने लगे, हम भी मारे झुटकाए के लिए, बोले हम भी उसको आक्रोश में मारे कि अपनी माँ को मार दिया। तो उसमें सत्यनारायण भरतिया नाम है, वो हमको क्या कहता है, काहे मारे, वो मार दिया अपनी माँ को ना मारा, हमारा परिवार को ना मारा, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप लोग को हम जेल कर देंगे, बताइए समाज में ऐसा करेगा? लड़का गार्जियन भी था वहीं पर? हाँ हाँ, उसका गार्जियन भी था। गार्जियन भरतिया नाम का एक बच्चा है, उम्र करीब 20 साल है। अपने माता पिता से झगड़ा किया। पिताजी जब दूध लाने के लिए बाजार में गए, तब तक अपनी माता को कमरे में बंद करके उस पर प्रहार किया। इलाज के दौरान उसकी माता की मौत हो गई। ये बच्चा, दो भाई हैं, एक भाई कहीं बाहर सीए कर रहा है और पिता उसके व्यवसायी हैं, बड़ा बाजार में ही इनका अपनी दुकान है। अब पहले भी झगड़ा होता था तो गाली गलौज की शिकायत मिली थी, लेकिन गार्जियन से मारपीट की बात नहीं थी। आज ये अचानक है जो घटना घटी है कि अपनी माता को कमरे में बंद करके हथौड़े से प्रहार किया। पिता के बयान पर ही हम लोग कांड दर्ज किए हैं और पूरी बात सामने आ जाएगी। ये तो निश्चित था कि एबनॉर्मल बिहेवियर
कभी कभी इसका होता था, और इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर नशे के कारण हुआ। दरभंगा के बिरौर प्रखंड मुख्यालय परिसर में सिसौनी शंकर लोहार सड़क निर्माण संघर्ष मोर्चा के तरफ से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से मुख्य मांग सिसौनी शंकर लोहार सड़क के अतिशीघ्र मरम्मतीकरण, साथ ही बिरौल से भाया पोखराम पर्री शिवनगर से लहरियासराय तक सरकारी बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आज धरना दिया गया। वहीं सड़क निर्माण संघर्ष मोर्चा के संयोजक प्रभाकर डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि दो लोकसभा तीन विधानसभा को जोड़ने वाला सिसौनी शंकर लोहार सड़क की काफी दयनीय स्थिति में है। शंकर लोहार सड़क का अविलंब मरम्मतीकरण 15 दिन के अंदर, और दूसरा मांग है हम लोग का बिरौल से भाया पोखराम परिसनगर से लहरियासराय तक दो सरकारी बस चालू करने का मांग है। उसी कारण हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से धृष्ट राष्ट्र सरकार जो है यो अंधा जो है ना, हम लोग का गौरा बोराम के विधायक है माननीय मंत्री महोदय हैं, हम उनको जो है उनको उनके कान तक हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सिसौनी से शंकर लोहार सड़क जो है तीन विधानसभा और दो लोकसभा में आती है, जिसमें एक दरभंगा लोकसभा, माननीय सांसद महोदय हम लोग को सुध लेने के लिए नहीं तैयार हैं, समस्तीपुर के सांसद हैं वो भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कुशेश्वर विधानसभा के विधायक हैं वो भी सुध लेने के लिए सड़क का नहीं है, तीन विधानसभा और दो लोकसभा आती है सड़क में, यही मेन हम लोग का मांग है। इसमें सिसौनी से शंकर लोहार सड़क निर्माण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग सिसौनी से श्रीनगर तक के पूरे बिरौल प्रखंड के पूरा ग्रामवासी जो है आए हुए हैं प्रदर्शन। सरकार के आश्वासन के बाद भी मांगों की पूर्ति नहीं होने के विरोध में बिहार राज्य पारा मेडिकल छात्र संघर्ष समिति की डीएमसीएच पारा मेडिकल शाखा के छात्र छात्राओं ने आज अनिश्चितकालीन धरना और उपवास पर बैठ गए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना पर बैठे धरनार्थियों का कहना था कि पटना में आई बैंक के उद्घाटन के मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनकी मांगों की पूर्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक एक भी मांग पूर्ति नहीं हुई है। करके जीएनएम और एएनएम आती है वही एग्जाम क्वालिफाई करके हम लोग भी आते हैं, तो 8 घंटा वो भी ड्यूटी करती है, 8 घंटा हम भी ड्यूटी करते हैं, तो फिर सौतेलीबाजी किस बात की? उसको हॉस्टल दिया जाता है, 200 रुपया डेली दिया जाता है, और हम लोग को क्यों नहीं, ऐसा क्यों करते हैं? अगर उनके पास नहीं साधन है तो बंद कर दे ये सब। क्या क्या मांग क्या क्या मांग है? हम लोग का है कि काउंसिल गठन हो, एकेडमिक कैलेंडर जारी हो, सेशन सही हो जाए, एग्जाम अच्छे टाइम पे लिया जाए, और सफली का जो एग्जाम है वो टाइम ले लिया जाए, और हम लोग का जितने भी मांगे हैं वो सब अच्छे मन से पूरी कर दे, हम लोग इसके बाद कुछ नहीं चाहेंगे, नहीं तो कल जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग यहाँ उपवास में बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो फिर भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे रहेंगे। आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र अब डिजिटल होने जा रहा है, इसके लिए दरभंगा केंद्र ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। अब आकाशवाणी दरभंगा के श्रोता अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देश विदेश में किसी कोने से YouTube के माध्यम से सुन सकेंगे। आकाशवाणी दरभंगा से मैथिली में कई कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। प्रदेश में रहने वाले लोगों की हमेशा यह मांग थी कि इस रेडियो स्टेशन को डिजिटल बनाया जाए, जिससे यहाँ देश लोग
विदेश में भी रहते हुए भी अपने पसंदीदा कार्यक्रम को सुन सकें। लोग सुन रहे हैं, देखिए 44 लोगों ने सुना है, ये टोटल 2664 बार लोगों ने सुना है, तो हमें पता भी चलता है कि हमारे हम ऑलरेडी डिजिटल होने के नक्शे कदम पर बहुत काम कर चुके हैं। हम अब साउंड क्लाउड पर सुनाई देते हैं। साउंड क्लाउड एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब वीडियो के लिए होता है वैसे साउंड क्लाउड ऑडियो के लिए होता है। तो हम काफ़ी समय से हमारे सारे प्रोग्राम हैं साउंड क्लाउड पर सुनाई हम लोग डाल रहे हैं, तो सुने जा सकते हैं और वो पूरे भारतवर्ष में आप सुन सकते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, अगर आप विदेश में भी हैं और आपको आकाशवाणी दरभंगा का साउंड क्लाउड जो अकाउंट है वो मालूम है, तो आप कहीं से भी सुन सकते हैं साउंड क्लाउड में। तो वो पहले हमने बहुत पहले शुरू कर दी है। हमारे जितने भी पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो नाटक हो, हमारे यहाँ से बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, मैथिली के प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम साउंड क्लाउड पर डाल रहे हैं, उसको हम फेसबुक पे भी अपडेट करते हैं, यूट्यूब पे भी अपडेट करते हैं, तो वो हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब हमारा अगला प्रयास ये है, क्योंकि यूट्यूब बहुत पॉपुलर है, एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमारा अगला प्रयास ये है कि हम अपने कार्यक्रम को वीडियो का रूप दे के यूट्यूब में डालें, ताकि और अधिक से अधिक जो हमारे बाहर के खासकर रहने वाले लोग हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे यूथ फ्रेंड्स हैं, जो आकाशवाणी दरभंगा को सुनना चाहते हैं और आकाशवाणी से रिलेटेड हैं, तो वो भी हमें और अच्छे से सुन सके, क्योंकि यूट्यूब काफ़ी पॉपुलर है इन सभी के बीच में। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रयास है। हरलाखी खिरहर थाना क्षेत्र के भरन टोला गांव में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में फरसा से प्रहार कर कई लोगों को जख्मी होने का मामला आया है। मिली जानकारी के अनुसार जलील जहेरी अपने घर में रहते थे, तभी इनके पड़ोसी आलम लहेरी, सदाम लहेरी, एहसान लहेरी सहित आधे दर्जन की संख्या में सभी एक साथ होकर इनके दरवाजे पर टाटी को हटाने लगे, जिसको मना करने पर जमीर लहेरी ने फरसा से प्रहार कर रजीना खातून का सर फोड़ दिया। वहीं रिजवान ने जलील लहेरी पर फरसा से प्रहार किया, जिससे उसका सर फट गया। अन्य सभी व्यक्तियों ने इनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारपीट की। ग्रामीणों ने झगड़ा हटाया, तभी सभी जख्मी को पीएचसी उमगांव लाया गया, जहां वे इलाजरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललित कुमार लाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें आए सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर सीवी राय, डॉक्टर जीवेश कुमार, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद ने किया। वहीं मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद और मुकेश कुमार ने कुल 56 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एवं HIV की जांच की। पहले भी जांच हुआ ना? पहली बार जांच कराए हैं क्या? इससे पहले भी कराए थे जांच? इससे पहले नहीं कराए थे? आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान का शिविर लगा, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं का HIV, हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर की जाँच की गई। इस दौरान कुल 3 ऐसे गर्भवती महिला पाई गई जिसमें खून की कमी थी और एक गर्भवती महिलाओं की शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक पाया गया। सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोली दी गई। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, जिसको लेकर SDM, SDPO एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक हुई, जहाँ आम लोग भी मौजूद थे। मब्बी ओपी पर होने वाले इस बैठक में लोगों ने प्रशासन को पूरा सहयोग करने की बात कही। इस्लामिक शरीयत में साल का पहला महीना मुहर्रम से शुरू होता है। मंगलवार को मुहर्रम का चांद के साथ इस्लामिक साल की हिजरी 1440 शुरू हो गई है। दरभंगा के भीका शाह सैलानी परिसर से किला घाट स्थित इमामबाड़े के लिए मिट्टी लाने की रस्म हर साल होती है। 10 दिनों तक चलने वाले मुहर्रम की 21 सितंबर शुक्रवार को समापन मिलान के साथ संपन्न होगी। अंतिम दिन यानी 10वीं मुहर्रम को यौम आशूरा कहा जाता है। एक मैं ऐलान करना चाहता हूं, जिला मुहर्रम कमेटी के जितने भी अखरिया हैं, मैं उनको ये एक खबर देना चाहता हूं। आकर के वो खबर दें, और हमारा नंबर है
सब लोगों को लेटर किया है, हमारा नंबर है अखरिया के पास, वो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला उनकी प्रॉब्लम को दूर होगी। जिला प्रशासन की मदद से हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम है रुस्तम कुरैशी, ज़िला मुहर्रम कमेटी के इस साल मैं सेक्रेटरी बना हूँ, मैं ज़िला मुहर्रम कमेटी का सेक्रेटरी रुस्तम कुरैशी। बीए पार्ट वन का छात्र अपनी मां के सर पर हथौड़ा मार मार कर दी हत्या, हत्यारा बेटा हुआ गिरफ्तार। दरभंगा जिले के नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार का मामला है। सड़क मरम्मतीकरण सरकारी बस सेवा शुरू करने, दरभंगा के बिरौल प्रखंड मुख्यालय परिसर में दिया धरना। सरकार के आश्वासन के बाद भी अब मांगों को पूर्ति नहीं होने के विरोध में बिहार राजपारा मेडिकल छात्र संघर्ष समिति की डीएमसीएच पारा मेडिकल शाखा के छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन धरना और मार्च पर बैठ गए। सदर थाना क्षेत्र के मब्बी ओपी पर मुहर्रम को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई। मधुबनी जिले के हरलाखी खिरहर थाना क्षेत्र के भरन टोला गाँव में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में फरसा से प्रहार कर एक लोग हुए जख्मी। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकेंगे यूट्यूब पर, शुरू हो गई तैयारी, सुनने को मिलेंगे लोकप्रिय कार्यक्रम। दरभंगा जिले के हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललित लाल के नेतृत्व में किया गया। आज मंगलवार को मुहर्रम की पहली तारीख, बुधवार की दोपहर में मिट्टी लाने की रस्म अदा की जाएगी। सी टीवी मिथिला में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें सी टीवी मिथिला न्यूज चैनल। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पता बीएमपी 13 सोनकी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच बीएमपी 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। फैंसी स्टोर एंड बसीर बेल्ट बैग हाउस। यहाँ सभी प्रकार के बैग, बेल्ट, टोपी, चश्मा, घड़ी, लेडीज एंड जेंट्स पर्स, रुमाल, चाबी, रिंग होलसेल रेट में मिलती है। और यहाँ सभी तरह के गिफ्ट, कैरम बोर्ड, बैट बॉल एवं खेल संबंधित सारे सामान भी होलसेल रेट में मिलती है। पहला पता सुभाष चौक टावर दरभंगा, दूसरा पता नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा रोड दरभंगा। कॉन्टेक्ट करें 8709060573।